हेलो गाइस और वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरा फुल वीडियो मेरा हाउस इनॉग्रेशन के लिए। और आज हमारा हाउस इनॉग्रेशन है और हमने एंट्री करी घर के अंदर। और ये है बाहर का पॉच एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की है हम लोगों ने। आप लोग बताइए कमेंट में कि ये कैसा है। और ये एरिया जो है इसमें पार्किंग है कार वगैरह रखने के लिए, ये ऊपर गया हुआ है। और अभी हम नीचे जाते हैं तो ये ड्राॅइंग रूम है। और ड्राॅइंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि वहाँ पर हमें ड्राॅइंग रूम में एक तो क्या बोलते हैं सोफ़ा के लिए जगह, और दूसरी हमने डाइनिंग टेबल के लिए। और ये है किचन, और मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल किचन मैंने थोड़े अपने हिसाब से बनाया हुआ है। और ये फॉर सीलिंग है, और फॉर सीलिंग बहुत ही, ये टाइल्स लगे हुए हैं। और ये टू रूम्स हैं, ये देखिए ये मेरी बेटी का रूम है और ये मेरा बेडरूम है। और मेरी बेटी टीवी देख रही है और इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है टीवी देखने के अलावा। ये टीवी देखती है या तो ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। ये इस पर भी फॉर सीलिंग है और इसमें मम्मी जी और मेरा भाई पवन दोनों लोग यहाँ सोते हैं, और दिन में नव्या यहाँ टीवी देखती हैं। और ये है पॉच एरिया, और पॉच एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे ये वॉश बेसिन बहुत पसंद है, और ये मिरर भी। और ये है बाथरूम, बाथरूम के टाइल्स मेरे और मेरे हस्बैंड की पसंद के थे, फेवरेट थे, और उन्हें बहुत अच्छे लगते थे मेरे को भी। और ये है यहाँ पे हमने वॉश बेसिन वगैरह रखा। अभी तो सामान जो हमारा घर का है अभी उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज करना है। अभी तो फैलावा ऐसे ही मचा है। ये फ्रिज है, और ये है हमारा मंदिर, छोटा सा रूम है, मंदिर है या स्टोर कुछ भी समझ लो, यहाँ पर हमने मंदिर का दे रखा है। इसको हैंग कराना है, अभी फ़िलहाल मैं बैठ के ही पूजा करती हूँ। और लेकिन हाँ, मैं खड़े होकर पूजा नहीं भी करूँगी, मैं बैठ के ही करूँगी। ये है मेरा बेडरूम जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बेडरूम में। देखती हूँ जब मैं अपना घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सपनों का घर है, सपनों की दुनिया है। लोग कितनी मेहनत करते हैं अपना घर बनवाने में, और हम लोगों ने फाइनली हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। अब हम ऊपर जाते हैं। ये है फर्स्ट मोमटी, और ये ऊपर आए, ये है सेकंड मोमटी, और एक और है ऊपर थर्ड मोमटी। तो हम अभी सेकंड फ्लोर में ना जाके ऊपर जाते हैं सबसे ऊपर टॉप पर मतलब छत पे। और ये देखिए, और ये हम आ गए हैं। अब दरवाज़ा हमने खोला और हम ये आ गए हैं छत पे। छत भी हमारी बहुत बड़ी है, और ये बहुत ही ज़्यादा, ये डिज़ाइन मेरे हस्बैंड की पसंद का था और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही खूब ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि मम्मी जी जो हैं वो बीमार हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में हम लोग थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे, तो हम अपने घर को थोड़ा देख नहीं पाए, तो और भी ज़्यादा इसको अच्छा बनाते। पर कोई भी नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा होता है ठीक है। यार शिफ्ट हो गए हैं फाइनली, ये डिज़ाइन ऊपर से ऐसी लगती है। और ये देखिए टॉप है, टॉप फ्लोर है, इसको बहुत ऊंचा, यहाँ से लगता है कि पूरा उत्तराखंड दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल बहुत करीब है, हम बहुत आसमान के करीब आ गए हों ऐसा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे नैनीताल के बादल वगैरह भी नज़र आते हैं। और अब नीचे जाते हैं, और नीचे हम अपना कमरा, अभी नीचे का एरिया है ये, और नीचे का खोलने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पे खुला खुला सा एरिया है। ये डिज़ाइन मैं आपको ऊपर से दिखाई थी, ये नीचे से ऐसी लगती है। और ये बाहर का एरिया है, और ये ब्यूटीफुल सा हमारा घर है। और हम अंदर एंटर करेंगे, ये बाथरूम है बाहर के लिए अगर हम बाहर हैं तो, और अगर हम किसी को रेंट पे रखते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये ड्राॅइंग रूम है बड़ा सा, यहाँ पर ये किचन है, ये रूम हो गया, ये यहाँ पर वॉश बेसिन एरिया है, ये किचन है, ये किचन नीचे के किचन से थोड़ा छोटा है, पर ये थोड़ा सा इतना वैसा नहीं है, लंबा नहीं है, वो वाला किचन लंबे में था, ये चौड़ाई में है, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की है। पर वहाँ पे हमने प्लेन टाइप मतलब प्रिंटेड टाइप टाइल्स लगाए हैं, और यहाँ पर हमने प्रिंटेड। और ये है रूम, तो ये एक रूम है, ये देखिए, और ये वही पॉच एरिया। इस पर स्पेशली ये है कि हमने यहाँ पे स्लैब डाले हैं। स्लैब में हम क्या है कि सामान, कोई भी आइटम, कुछ भी कबाड़ रख सकते हैं, कुछ भी हम स्टोर का सामान रख सकते हैं, कोई भी आइटम रख सकते हैं। बाहर का वॉश बेसिन एरिया है, ये बाथरूम है, और इसके बाथरूम के भी टाइल्स मुझे बहुत पसंद है। और ये दूसरा रूम है, ये देखिए, इसमें भी लाइट्स ऑफ थी इसलिए सही नहीं आ रहा था, फिर हमने लाइट ऑन करते तो दिखाते, ये देखिए लाइट ऑन हो गया। और बहुत ही ज़्यादा, पर यहाँ पे हमने फॉर सीलिंग नहीं दी, यहाँ पे पीओपी दे रखा है। और अब हम जा रहे हैं, ये भी रूम हो गया, हमने लाइट्स ऑफ कर दी, और ये देखो अब हम निकल रहे हैं।
नीचे की तरफ। सो गाइस प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सजेशन दीजिए कि मैं और कैसे वीडियो बनाऊँ, मैं ये वाला वीडियो मेरा कैसा है, मेरा घर आप लोगों को कैसा लगा, और भी अपने कमेंट्स में बहुत सारा प्यार। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नो 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 नो, अभी कहाँ से यार, अभी तो पूजा रह गई थी। हाँ ये पूजा है, पंडित जी आ गए हैं और ये देखिए पूजा कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी 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 हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें स्पीड को मेंटेन करा था। और ये देखिए हम डांस करने रहे हैं, ये हमारे पहाड़ी दोस्त हैं, हमारे कॉलोनी के लोग, और हम लोग यहाँ पे डांस करेंगे, और हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। मैंने स्पीड बढ़ा दी है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी डांस कर रही हूँ, पर बहुत खुश थे लोग। लेकिन बहुत सडनली हमने प्लान किया था कि हमें कीर्तन भी करने हैं। पहले हमने सोचा था कि हम कीर्तन नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने प्लान किया कि नहीं हम कीर्तन भी करेंगे। और ये हम खाने पीने का है, नव्य है ये, और हम लोग अब यहाँ पे डांस करने के लिए डांस किया था। और इन बच्चों को मैंने ही डांस सिखाया था क्योंकि मैं डांस सीख रही हूँ। आप लोगों से प्यार बहुत अच्छी, बच्चे बहुत प्यार करते हैं।